बड़ी अपडेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। हरियाणा में 90 सीटों पर मतगणना शुरू, जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक 8 बज चुके हैं। काउंटिंग हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पर 90 सीटों पर मतदान हुआ था और आज 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो चुकी है दोनों जगह पर। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट यानी कि मतपत्रों की शुरुआत सबसे पहले की गई है काउंटिंग के तहत में, और उसके बाद से ठीक 30 मिनट बाद यानी 8:30 बजे का समय जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो आधे घंटे पहले बैलेट पेपर से जहां चुनाव होते हैं ऐसे में बैलेट पेपर्स की पहले काउंटिंग शुरू होती है और आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर दी जाती है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा सीटें दोनों जगह जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ हरियाणा भी, और इस बार अपने अपने चुनावी मुद्दे रहे हैं जहां तमाम पार्टियों के, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के मन में भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग की गई है। हालांकि तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी या नहीं ये तो देखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां दोनों पार्टियों के ओर से जो बड़ी प्रमुख दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये दावा करती है कि उनकी उनकी सरकारें बदलेंगी, तो जनता का आदेश क्या होगा, जनता किसके साथ खड़ी होती है, और ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। क्योंकि जहां एक और कांग्रेस भी कई बार ये कह चुकी है कि हरियाणा में भी 10 सालों का सूखा इस बार समाप्त होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी को भी आप सुन चुके हैं और तमाम बड़े दिग्गजों को भी आप सुन चुके हैं कि हरियाणा में दोबारा से सरकार बीजेपी की आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी ठीक ऐसा ही नजारा नजर आता है, बीजेपी अपनी सरकार बनने का दावा करती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन में कांग्रेस है जो कि ये दावा कर रही है कि वहां उनकी सरकार बनेगी। तो वहीं इस बीच बड़ी अपडेट भी मिल रही है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, देखिए रुझान आने शुरू हो चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुरुआती रुझान में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की मंजू हुड्डा पीछे चल रही है और ऐसे में कांग्रेस से कैंडिडेट और बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुरुआती रुझान में बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट मंजू हुड्डा पीछे चल रही है। यहां पर वैसे तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, रोहतक सीट का अगर जिक्र करें जहां पर 4 सीटें आती है, 3 सीटों पर सीधा सीधा आंकड़ा जो है वो यही नजर आ रहा था एग्जिट पोल में कि कांग्रेस आगे है, लेकिन रोहतक से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। फिलहाल जो रुझान है वो गढ़ी सांपला से सामने आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट मंजू हुड्डा पीछे चल रही है। फिलहाल देखिए हरियाणा का जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा में किस तरीके से, और वहीं दूसरी ओर एक बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट दे दें। जम्मू कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर है, शुरुआती रुझान में पीडीपी को बढ़त मिल रही है, पीडीपी के रफीक अहमद नाइक आगे इस वक्त, तो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पीछे बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सीट बताई जा रही है पीडीपी के पास इस वक्त अच्छी जानकारी गई है, यानी कि त्राल सेक्टर को लेकर के बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि त्राल में जहां पर पहले से ही पीडीपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में त्राल सेक्टर में देखना यह होगा कि कांग्रेस भी मजबूती बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, तो क्या पीडीपी यहां आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बढ़त मिलेगी। तो उधर अनिल विज भी आगे चल रहे हैं अपनी सीट से और कांग्रेस पीछे चलती हुई नजर आ रही है, जेजेपी के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट परमिल परी पीछे चल रहे हैं, जेजेपी के प्रत्याशी अवतार करधान तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए अनिल विज का गढ़ माना जाता है, 6 बार से विधायक रह चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ जो है वो अंबाला में अनिल विज की मानी जाती है। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट, तीसरे नंबर पर जेजेपी के कैंडिडेट चल रहे हैं, शुरुआती रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए जैसा मेरी सहयोगी भी आपको ये जानकारी दे रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी परिमल परी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के प्रत्याशी अवतार करधान तीसरे नंबर पर है। और जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें तो पुलवामा से खबर है, शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त मिली है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील आगे हैं, तो वहीं पीडीपी के वहीद
अरमान पारा इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। यहाँ पीडीपी को थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि चिंताजनक खबर है पीडीपी के लिए, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अंत पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते भी सियासी खेल पलट जाता है और इसी के तहत हमें इंतजार करना होगा शाम 5 बजे या शाम दोपहर 3 बजे तक का, क्योंकि तभी पूरी तरीके से रुझानों की धुंधली तस्वीर साफ होती है। और इस वक्त क्योंकि 8 बजे से वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील आगे है, पीडीपी के वहीद और अरमान पारा पीछे बताए जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारीगामी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, सैयर अहमद रेशी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सैयर को जमात का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सैयर जमात के समर्थन के साथ आगे चल रहे सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारीगामी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, सैयर अहमद रेशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी खबर मिल रही है, जगाधरी सीट के रुझान सामने आ चुके हैं, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी के कृष्ण पाल गुज्जर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अकरम खान पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल गुज्जर तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। देखिए इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। हालांकि पहले गठबंधन में चुनाव लड़ना था, लेकिन उसके बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो भाई देखिए दोबारा जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र कर ले तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर के दोरू सीट से कांग्रेस को बढ़त फिलहाल शुरुआती रुझानों में मिल रही है, जबकि कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर इस वक्त आगे हैं और पीडीपी के मोहम्मद अशरफ मलिक पीछे बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के भी ये बड़ा अपडेट है और यहाँ पर पीडीपी को बढ़त है, तो भाई दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ मलिक पीछे चल रहे हैं कांग्रेस की ओर से। और ऐसे में एक एक करके तमाम शुरुआती जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 अक्टूबर से पहले आपने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में चुनाव और आज नतीजे। शाहबाद सीट का रुझान भी सामने आ चुका है, शाहबाद सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सुभाष कलसाना पीछे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान है, लेकिन तस्वीरें करीब करीब दोपहर 3 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार बढ़त किसे मिली है, इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। शाहबाद सीट का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस कैंडिडेट रामकरण आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सुभाष कलसाना पीछे चल रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान हरियाणा में सामने आ रहे हैं, अंबाला से बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, रोहतक की सीट गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर शाहबाद से भी कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। देखिए एक एक करके तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हम कर लेते हैं, जहां अभी मेरे सहयोगी ने आपको बताया शाहबाद सीट यानी कि हरियाणा की ये सीट है, यहां पर किस तरीके से कांग्रेस को बढ़त फिलहाल के रुझानों में मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। तो वही दूसरी तरफ जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, अनंतनाग से भी एक खबर सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिजबेहरा सीट को लेकर के जानकारी सामने आई है, बिजबेहरा में पीडीपी को बढ़त मिली है और ऐसे में जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की पकड़ इस बार काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया है कि सत्ता की चाबी तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 10 साल का सूखा कांग्रेस हरियाणा में खत्म करने जा रही है। तो शाहबाद सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल चुकी है, कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण आगे चल रहे हैं, इसके अलावा जिक्र करें अनंतनाग का, तो अनंतनाग से भी इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजबेहरा सीट पर पीडीपी को बढ़त मिली है, पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजाम मुफ्ती आगे चल रही है, बीजेपी के सोफी यूसुफ पीछे चल रहे हैं। तो भाई बशीर अहमद वीरी तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं और साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें यह समझना होगा कि पीडीपी के प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है, इल्तिजा मुफ्ती वही यानी महबूबा मुफ्ती की बेटी, और महबूबा मुफ्ती की बेटी जब चुनावी मैदान में उतरी तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस बार पीडीपी को बढ़त मिलेगी और हम अकेले अपने बलबूते पर बहुमत के भी पास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और
के भी रुझान हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या ये सच साबित हो रहा है या नहीं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा से भी एक बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त मिली है। एनसी के शेख महबूब इकबाल आगे है जबकि कांग्रेस के नदीम शरीफ पीछे चल रहे हैं। भद्रवाहा में कांग्रेस एनसी में इस वक्त दोस्ताना मुकाबला चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच जिस तरीके से गठबंधन हुआ तो क्या ये गठबंधन कमाल करता है या नहीं, क्योंकि ये जानकारी हम आपको दे दें। जहां 2024 में कांग्रेस ने जो ये गठबंधन किया तो माना ये जा रहा है कि अब्दुल्ला परिवार कश्मीर क्षेत्र को साधेगा तो कांग्रेस जम्मू संभाग को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं इस बीच हरियाणा से भी बड़ी अपडेट मिल रही है जहां पर सीएम सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, माना तो ये जा रहा था लाडवा सीट पे भी कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह कड़ी टक्कर देने वाले, लेकिन शुरुआती रुझान में नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट मेवा सिंह पीछे चल रहे हैं। जेजेपी के प्रत्याशी विनोद शर्मा तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाडवा सीट का शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर का जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं नौशेरा से। ये बड़ी खबर है, बीजेपी के रविंद्र रैना इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुबह उन्होंने वैष्णो देवी के धाम पर जाकर के माता भी टेका था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एनसी से सुरेंद्र चौधरी पीछे हैं, पीडीपी हक नवाज चौधरी तीसरे नंबर पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। तो देखिए लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां हरियाणा की तमाम जानकारियां अब तक आंचल आपसे साझा कर रही, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं भी आपको जानकारी दे रही हूं और दोनों ही कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाते रहें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आंचल, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट जसवीर सिंह पीछे रह गए हैं। देखिए ये सीट भी काफी ज्यादा हॉट सीट में काउंट हो रही थी क्योंकि यहाँ पर भी कैप्टन अभिमन्यु साथ ही साथ जसवीर सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कैप्टन अभिमन्यु कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट को। तो अब देखना रहेगा कि क्या आगे यही रुझान रहने वाले या फिर कांग्रेस कैंडिडेट आगे निकल जाएंगे अभिमन्यु को पीछे छोड़कर। कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जसवीर सिंह पीछे रह चुके हैं। ये सीट जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी, देखिए आपको बता दें हरियाणा में 90 सीटों पर जहां रिजल्ट सामने आने वाले हैं, लेकिन 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कई सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नारनौल से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर देवसर सीट से भी बड़ी खबर मिल रही है सुरभि। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के अमर पंचू इस वक्त आगे चल रहे हैं सीट से, वहीं एनसी के पीर ज्यादा फिरोज पीछे बताए जा रहे हैं। देवसर में कांग्रेस और एनसी में दोस्ताना मुकाबला बताया जा रहा है क्योंकि ये ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय किया था कि सद्भावना के साथ में, दोस्ती के साथ में हम इस मुकाबले को लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर किसी का भी सिक्का चल जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए यह अच्छी खबर होगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब यहां पर दोस्ताना तौर पर मुकाबले में उतरी थी कांग्रेस और एनसी, तो ऐसे में यह सीट क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के पास जाती है या फिर जाएगी बीजेपी के पास, क्योंकि इस बीच जो रुझान सामने आया जम्मू कश्मीर की देवसर सीट को लेकर के बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस के अमन मंटू इस वक्त आगे हैं, एनसी के परिजादा फिरोज पीछे चल रहे हैं। देवसर में कांग्रेस एनसी में दोस्ताना ये मुकाबला हम आपको बता रहे हैं। यहां पर किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी ने नहीं उतारा था और इसी के तहत में हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे एक एक करके अब तक जो मुकाबलों को लेकर के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत मुकाबले रहे, दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। बड़ी अपडेट आपको बता दें जहां पर एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, शुरुआती रुझान उमर अब्दुल्ला की तरफ नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं तो वहीं पर पीडीपी के बशीर अहमद पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पीडीपी के बशीर अहमद पीछे चल रहे हैं और रुझान जो है एनसी की तरफ नजर आ रहे हैं, एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, हालांकि ये गढ़ भी उमर अब्दुल्ला का ही माना जाता है। गांदरबल सीट के रुझान आपको बता रहे हैं, गांदरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है जहां पर उमर अब्दुल्ला की पकड़ भी अच्छी खासी नजर आ रही। देखिए ये जानकारी आपको दे दे कि मत पत्र यानी कि बैलेट
पेपर्स जो होते हैं उनसे जो चुनाव होते हैं ऐसे में ये उसके शुरुआती रुझान है, यानी ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी सुबह 8:30 बजे से। 8 बजे से जून मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। ऐसे में ये बैलेट पेपर्स के जरिए जो चुनाव होते हैं पोस्टल बैलेट्स, उनके तहत में ये नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं और ये महज शुरुआती रुझान है। इंतजार है आपको दोपहर 3 बजे तक साफ तस्वीर का करना होगा कि आखिर, क्योंकि ये धुंधली तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, फिलहाल शुरुआती रुझान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाले तस्वीरें जो निकल कर सामने आती है वो दोपहर 12 बजे के बाद से आनी शुरू होती है। दोपहर 3 बजे तक स्थिति साफ होती है और शाम 5 बजे तक वो तस्वीर साफ हो जाती है कि सत्ता का ताज किसके सर चढ़ा है और साथ ही सत्ता की चाबी किसके हाथों में पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये शुरुआती रुझान आपके सामने हम बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गांधरबल सीट फिलहाल यहाँ पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर पीछे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गांधरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का यहाँ पर जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में नजर आई थी। नलवा सीट से बीजेपी के रणधीर पनिहार आगे चल रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, नलवा सीट से बीजेपी के रणधीर पनिहार जो है वो आगे चल रहे हैं। जेजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझान में पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि यहाँ पर अनिल मान जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन रुझान कुछ और बता रहे हैं। बीजेपी के रणधीर पनिहार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। जेजेपी के कैंडिडेट वीरेंद्र चौधरी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, तस्वीरें बदल सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीरें बदल सकती है क्योंकि तस्वीरें स्पष्ट होंगी दोपहर तक ही। ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं और ईवीएम की जो काउंटिंग है वो 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। फिलहाल बैलेट पेपर के रुझान आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो पीछे चल रहे हैं और जेजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर, वीरेंद्र चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर नलवा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। रणधीर पनिहार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के अनिल मान शुरुआती रुझानों में पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी भी पीछे है, लेकिन मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि हरियाणा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी सभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के भी अपडेट आपको दे दें। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे, बीजेपी के बलदेव राज शर्मा इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल इस वक्त पीछे है। तो फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार अब तक के रुझान आपके सामने रख रहे हैं, पोस्टल बैलेट के गिनती की शुरुआत हुई है और इन रुझानों में इस वक्त दोनों जगहों पर सबसे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर इस वक्त कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये महज शुरुआती रुझान है। हमें इंतजार करना होगा जब पूरी तरीके से फैसला सबके सामने आ जाए। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं वैष्णो देवी सीट को लेकर के। यहाँ वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की किस्मत इस वक्त चमकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये तस्वीर आगे आने वाले समय में बदलेगी या फिर इसी तरीके से अपनी किस्मत के लिए कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आएंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी इस वक्त आगे सीट पर, बीजेपी के बलदेव राज शर्मा इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इस वक्त जो शुरुआती रुझान है उसमें भूपेंद्र जामवाल कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे हैं, जबकि बीजेपी यहां इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए बड़ी अपडेट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी सीट से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल पीछे चल रहे हैं, तो बीजेपी जो है वो काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईवीएम अभी नहीं खुली है, 8:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। करीब करीब 10 से 11 मिनट बची हुई है और 10-11 मिनट के बाद ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट, जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो इस बीच एक और बड़ी अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, 9 सीट से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के आफताब अहमद आगे चल रहे हैं और बीजेपी
बीजेपी के संजय सिंह पीछे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस आफताब अहमद आगे चल रहे हैं और कांग्रेस में इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक कि हरियाणा में सत्ता का ताज जो है वो कांग्रेस के सिर पर ही सजने वाला है, लेकिन इंतजार करना होगा शाम तक का, जब तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच नौ सीट से भी बड़ी अपडेट मिल रही है, कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो नौ सीट से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर है। राजौरी सुरक्षित सीट से कांग्रेस को इस बीच बढ़त मिल रही है। कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद आगे हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी विबोध गुप्ता इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद इस सीट से, यानी कि राजौरी सुरक्षित एक सीट मानी जाती है, और ऐसे में इस राजौरी के सेक्टर से यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है शुरुआती रुझानों में। और कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी विबोध गुप्ता को लेकर के खबर मिल रही है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बादली सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। बादली सीट से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कुलदीप वत्स पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप वत्स पीछे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, लेकिन उससे पहले हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बादली सीट के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट पीछे रह गए हैं। कांग्रेस के कुलदीप वत्स फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए लगातार इस बीच शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और सुबह 8 बजे से ही जैसे ही ये तस्वीरें साफ हुई हैं, ऐसे में एक-एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से भी जान लीजिए, बडगाम सीट से एनसी को इस वक्त बढ़त मिली है। तो वहीं दूसरी ओर एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये गढ़ पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला परिवार का ही माना जाता है। पीडीपी के आगा सैयद इस सीट से पीछे बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बडगाम सीट से ये बड़ी अपडेट है, और बडगाम सीट पर एनसी को यहाँ बढ़त मिल रही है। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, यानी जनता इस बार भरोसा जता रही है उमर अब्दुल्ला पर या नहीं, इसका पूरी तरह तो इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान उनके पक्ष में जरूर नजर आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के भी इस बार कई ऐसे मुद्दे रहे थे जिनको लेकर के मैनिफेस्टो जारी करने के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उमर अब्दुल्ला ने ही यह फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, ऐसे में जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में फायदा रहेगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान, हरियाणा की 50 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो 45 सीटों पर रुझान में एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनसी कांग्रेस को बढ़त फिलहाल यहां पर मिली हुई है 45 सीटों पर, और हरियाणा में भी कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है 50 सीटों पर। शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 50 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है, जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस 45 सीटों पर आगे चल रही है। तो फिलहाल देखिए लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अब तक जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझानों में कहां किसकी सरकार बन रही है और या बनने जा रही है, इसको लेकर के पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 49 ऐसे सीट बताए जा रहे हैं जिनको लेकर के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं, जबकि हरियाणा को लेकर 50 सीटों को लेकर रुझान अब तक सामने आए हैं, जिसमें 50 पर ही कांग्रेस आगे चल रही है। 58 सीटें अपडेट हो चुकी है, ये जानकारी हम आपको बताते हैं। 58 सीटों को लेकर रुझान सामने आ चुके हैं हरियाणा को लेकर, 58 सीटों पर भी बढ़त हरियाणा में कांग्रेस को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए न्यूज इंडिया ने भी एग्जिट पोल में दावा किया था कि 50 से 58 के बीच में कांग्रेस को सीटें हरियाणा में मिलेंगी, जबकि जम्मू कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सहयोगी जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। जसबीर, शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं, हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा में 50 प्लस सीटों पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। कि 5 तारीख को ये इलेक्शन हुई थी और आज 8 तारीख को यहाँ पे मतगणना हुई है, और
जो रुझान है वो पूरे का पूरे आज कांग्रेस की फेवर में है, पर अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे हैट्रिक लगाएंगे, पर हैट्रिक तो बात दूर, अभी तक 58 रुझान आए और 58 के 58 जो वो कांग्रेस के पक्ष में आया। आपको बता दें कि कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, विनेश फोगाट आगे चल रही है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे खुशी नजर आ रही है। जी ठीक है जसवीर, साथी ये भी जानकारी जरा दीजिएगा क्योंकि हरियाणा को लेकर के कहा जा रहा था कि इस बार चौधरी कौन बन रहा है हरियाणा का, नायब सिंह सैनी तो ये कह देते हैं कि नहीं तीसरी बार भी हमारी सरकार रिपीट होगी और इस बार भी आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता ने भरोसा बीजेपी के नाम जताया है, लेकिन शुरुआती रुझान तो कुछ और दिखाई देते हैं। बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे पास सभी हथियार हैं या हम तीसरी बार हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे और हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें अनिल विज की तो अनिल विज ने भी यही बोला था कि जो सरकार बनेगी बीजेपी बनेगी और अगली बार हम जो हमारी जो मुलाकात होगी सीएम के हाउस में होगी और आने वाले सीएम के फेस को अब अनिल विज को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बहुत कॉन्फिडेंट थे कि तीसरी बार वो सरकार बनाएंगे, पर अगर सिनेरियो की बात करें, अभी शुरुआती रुझान की बात करें तो सारे के सारे रुझान जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस की फेवर में जा रहे हैं तो सारे के सारे कांग्रेस की फेवर में जा रहे हैं, पर ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये निर्णय लेते हैं क्योंकि ये 3 बजे तक क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसको फतवा दिया, किसकी किस्मत जागेगी। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर अभी क्योंकि जो रुझान है वो बैलेट पेपर के रुझान है, इसके बाद ईवीएम के रुझान आएंगे और उसके बाद ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किसकी पक्ष में जनता ने वोट दिए हैं। जी चलिए ठीक है जसवीर, आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह जुड़ चुके हैं। विमल देखिए, हरियाणा का जिक्र कर ले या फिर जम्मू कश्मीर का, शुरुआती रुझान में हरियाणा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस यानी कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और हम विकास के दम पे जो है, हम जिस तरीके से हरियाणा में हमने विकास किया है 10 सालों के अंदर, तो हम इस बार भी जनता के पास गए थे और हमने बोला है कि हमने जितना कार्य किया उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। और अभी तो रुझान है, हमें तो इंतज़ार करना चाहिए, दोपहर के 2 बजे के बाद जो है सारी पिक्चर अभी क्लियर होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है हैट्रिक लगाने जा रही है। और वही कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर में जिस तरीके से हमने जो है आतंकवाद को ख़त्म किया, हमने अलगाववाद को ख़त्म किया, हमने जैसे वंशवाद को ख़त्म किया, हमने पत्थरबाजी से मुक्ति दिलाई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जो कश्मीर की जनता है, जो घाटी की जनता है, जो जम्मू की जनता है, उन्होंने जो है पूरा का पूरा जिस तरीके से 370 और 35A धारा को ख़त्म करके हमने वहाँ पर शांति को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से कश्मीर में जो है सौंदर्यीकरण को बढ़ाया है, आप देखिए पिछले बार से जो है अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और अभी की बात करूं तो 93% जो है लोगों का जो है आवागमन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे हमने जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। तो इसको लेकिन विमल जी, इतना विकास करने के बाद भी कश्मीर में बीजेपी का साथ देती हुई वहाँ की जनता तो नजर नहीं आ रही है। वहाँ कश्मीर का अगर हम जिक्र करते हैं, जम्मू की सीटें तो मान लेते हैं हम कि पिछले बार के चुनाव में भी आपके पक्ष में माहौल बना था और आपके पास वो पूरी सीटें भी आई थी, बहुमत मिला था, लेकिन इस बार तो जम्मू कश्मीर में ही बहुमत किसी पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ हमें पूर्णतः विश्वास है कश्मीर की जनता के ऊपर, जम्मू की जनता के ऊपर, कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जब से जो है 370 धारा को ख़त्म किया गया, 35A धारा को ख़त्म किया गया, कश्मीर के अंदर एक जो शांति का जो उदाहरण जो वहाँ पे प्रस्तुत हुआ है, तो वहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद जो है देते हुए नजर आ रही है। और अब आने वाले समय में आप देख लीजिएगा 2 बजे के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगाते हुए दिखाई देगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सरकार बनाते हुए दिखाई देगी। लेकिन विमल जी, शुरुआती रुझान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं और जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी कई चीजों का जिक्र कर दिया कि विकास इतना हमने किया है। रुझानों पे हम नहीं जाएंगे, ना ही नहीं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं हम कभी रुझानों पे नहीं जाएंगे, रुझानों में और सीट के तब्दील में दोनों में अंतर, काफी ज्यादा अंतर होता है। हम इंतजार करते हैं 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, आंकड़े बदल सकते हैं, जो रुझान आपको उम्मीद है कि अंत तक आंकड़े बदल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात की मैं कहना चाहता हूँ,
आपको उम्मीद है अंत तक आंकड़े बदल सकते हैं? 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी जो है रुझानों में जो है भारतीय, हाँ ये हुआ है, ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा। आपने देखा था जो है अभी लोकसभा के चुनाव में भी जो है जो एग्जिट पोल आए थे, जो रुझान आए थे, बाद में कैसे रुझान बदल गए। तो हम इंतज़ार करते हैं एक समय का, 12-1-2 बजे के बाद जो है जो रुझान है वो सीट में जब तब्दील होगा तब जो है। विमल जी, ये चोट 2015 की है क्या? इंतजार करते हैं। और विमल जी, 2015 की चोट है क्या? बिहार में आपने जब देखा था कि वहाँ विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो पहले ही बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था और अंत में आते आते पूरा पूरी तस्वीर बदल गई थी। एग्जिट पोल पर भरोसा तो उस वक्त आपने जताया था, तो क्या ये उसकी चोट है? क्या आप इंतजार आप कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के रुझानों में नहीं जाएंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये तो 2019 को लोकसभा सीट की 2019 में जिस तरह से चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है पटाखे फटने स्टार्ट हो गए थे, लोग मिठाइयां खा रहे थे। लेकिन आपने देखा 2019 में जो है देश की समस्त जनता ने जो है मोदी जी को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने गए थे और जनता ने हमें विकास के नाम पर अपना आशीर्वाद भी दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो है रुझानों पर और जो है एग्जिट पोल पर नहीं जाना चाहिए। 2019 का ही अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूँ तो हरियाणा में जो है एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और थे और चुनाव के बाद के जो नतीजे हैं वो कुछ और थे। तो हमें रुझानों पर एग्जिट पोल पे नहीं जाना चाहिए, हमें एक समय का इंतजार करना चाहिए। 12-1-2 बजे आपका फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ गेस्ट मौजूद है। मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस के प्रवक्ता है जो कि हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हुए आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे, रुझान तो आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। रुझान हरियाणा और जम्मू कश्मीर के देश की तरफ है, जनता के रुझान ही। जनता ने किस तरीके जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने छीना, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता वोट दे रही है। आप किसी का हक छीनेंगे और उससे कहेंगे जनता हमारे साथ है, कैसे आपके जनता साथ होगी? अपने फैसले जम्मू कश्मीर के लोग सरकार बनने के बाद खुद नहीं ले सकते, तो ऐसी सरकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में खास तौर पे था सरकार बनने के बाद पूर्ण दर्जे के लिए कांग्रेस पार्टी जाएगी और पूर्ण दर्जे का दर्जा दिलवाएगी। इसी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ है। अभी रुझान है, बिल्कुल सही बात है, वक्त आते आते वक्त बीतेगा और ये रुझान कांग्रेस के पक्ष में होते जाएंगे। और बड़ी रुझान कांग्रेस के पक्ष में हो गए तो सीएम कौन? देखिए, तो आपको मालूम है हमारी तरफ से पहले ही उमर अब्दुल्ला वहां से उम्मीदवार है, जम्मू कश्मीर से। हरियाणा का जिक्र, हरियाणा के लिए पहले ही कह दिया पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, जो पार्टी नेतृत्व और चुने हुए एमएलए तय करेंगे वो हमारा सीएम बनेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए, कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मिल रही है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, रुझानों में 46 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। तो फिलहाल देखिए, शुरुआती जो रुझान बताए जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, ये बहुमत की खबर है। ये फिलहाल कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये क्या शाम तक स्थिति जस की तस बनी रहती है या नहीं, इसका भी इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान कांग्रेस के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, सटीक साबित हो रहे हैं। और ये एक और अपडेट आपको दे दें कि 8:33 हो चुके हैं, ऐसे में ईवीएम की भी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक बार फिर आसिफ जी, क्योंकि मैं आप ही के पास लौट रही हूँ, आपने ये कहा कि हमें पूरा भरोसा है और सीएम फेस को लेकर भी आप कह रहे थे कि ये तो आला कमान तय करेगा। आला कमान तो तब तय करेगा ना जबकि आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं वो योगदान हमें दिखाई दे, एक साथ एकजुट होने की संकेत हमें मिले। क्योंकि कुमारी शैलजा भी दावा कर देती है कि उनको भी सीएम चुना जा सकता है, सीनियर है वो पार्टी में, सुरजेवाला भी ये दावा कर देते हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता क्या कांग्रेस को? क्या आपको ये लगता है एक ही आदमी का रुझान है? ये पूरे संगठन ने इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, ये उसका नतीजा जो रुझान में नजर आ रहा है ये वो है। तो इसलिए ये कहना कि तमाम लोगों ने अलग अलग काम किया, नहीं, तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, हरियाणा की जनता ने मिलकर ये रुझान आपके सामने आ रहे हैं और इसी रुझान का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मायूसी की लहर अभी से नजर आ रही है। चलिए ठीक है, आसिफ जी लौटेंगे आपके पास। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 19 और कांग्रेस के खाते में 46, अन्य के खाते में 6 सीटें जो हैं वो अभी तक जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंतजार जो है वो शाम तक का करना पड़ेगा कि आखिरकार शाम तक क्या तस्वीरें यही रहती है या फिर तस्वीरें बदल जाएंगी।
फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि शुरुआती रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ही चाहेंगे कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसे किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए। शुरुआती रुझान अभी के बारे में बता रहे हैं, ईवीएम की गणना भी शुरू हुई है, थोड़ी देर के बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। हर पार्टी अपना अपना स्टिक क्लेम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी का कहना अपनी सरकार बनेगी। विभिन्न पार्टियां अपना अपना स्टिक क्लेम कर रही हैं। पिक्चर अभी क्लियर थोड़ी देर के बाद होती नजर आएगी। ऐसे में ये कहना कि कौन सी सरकार, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 46 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी को 19 सीटों पर बढ़त है और अन्य दल दूसरे सीटों पे आगे ले रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी धूमिल है, पिक्चर क्लियर होने में अभी 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। ईवीएम के काउंटिंग शुरू हो रही है, पता लगता जाएगा कहां कहां से, लेकिन फिर भी देखने में नज़र आ रहा है बहुत सी इंपॉर्टेंट सीटों पे बीजेपी ने भी बढ़त बनाई है। जहां कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के आगे चल रही है, बीजेपी ने भी अच्छी बढ़त बना रखी है। तो मैं समझता हूँ कि 11 से 12 बजे के बीच में पिक्चर कुछ क्लियर होती नजर आएगी। अभी ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी बनाएगी, ये कहना बहुत कठिन है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या बीजेपी बनाएगी। लेकिन जनता निश्चित रूप से बदलाव चाहती है और बदलाव का असर देखने में, चुनाव परिणाम में देख लेने में आ रहा है। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। वैशाली तोमर जी भी बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वैशाली जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि हरियाणा में जहां आपके पास 10 सालों की सत्ता रही, लेकिन आपकी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि इस बार तस्वीर बदलती हुई हरियाणा की दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और साथ ही साथ हरियाणा की जनता को मैं सादर नमस्कार करती हूं। और मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूं। देखिए, इतने सारे काम, हरियाणा की बात अगर की जाए तो हरियाणा की स्थिति किस तरह से बदली है ये आप हरियाणा में जाकर देखिए। मैं नहीं जानती क्या अभी, तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों को विश्वास ही नहीं है जिस तरह के हमने काम वहाँ पर किए हैं, जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से जनता के अंत्योदय की योजना को ध्यान में रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा मुहैया कराई गई है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूँ कि किस तरह से ये फैसले जो एग्जिट पोल दिखा रहा है ये सही है। और आपने पहले भी देखा कि एग्जिट पोल हमेशा राइट नहीं होता है, अंत तक आते आते स्थिति बदल जाती है। तो हम पूर्ण तरह आश्वस्त हैं कि जिस तरह के काम हमने किए हैं, जिस तरह के काम बीजेपी सरकार में हुए हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात की जाए या किसी भी तरह से एक प्रत्येक राज्य को भी लेकर बात की जाए, तो मैं आपको इतनी चीज़ें गिनवा सकती हूं कि मुझे लगता ही नहीं है कि जो जनता है वो कांग्रेस सरकार को चुनेगी। कौन ऐसी सरकार चुनना चाहेगा आप बताएं कि जिसमें पहले ही जो विधायक हैं, जो ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं या जिनको टिकट मिली है, वो कह रहे हैं कि 50 वोटों पर आपको एक नौकरी दी जाएगी। यानी कि 2014 के बाद की स्थिति भी अगर आप देखें तो ये जो भ्रष्टाचार इनके खून में है, रग रग में इनके भ्रष्टाचार फंसा हुआ है, वो आज तक इससे निजात ना ही तो जनता को दे पाएंगे और ना ही अपनी मन स्थिति बदल पाएंगे, अपने संस्कार बदल पाएंगे। तो कौन सी जनता ऐसी है जो अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने आने वाले इस भविष्य को भ्रष्टाचार की गर्गत में ढकेलना चाहेगी? और दूसरा आप देखें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके देखें, पहले वहां पर 3 थाने थे, अब 33 हैं। आप एक नंबर डायल करें तो सुरक्षा आपको वहीं पर मुहैया मिलती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं हो रही है? पहले वहां पे पेंशन जाती वो जी, इतनी सारी चीजें आप गिनवा रही हैं कि इतना सब कुछ हरियाणा के लिए किया है, लेकिन रुझान और एग्जिट पोल जो है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची थी जब चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार परिवर्तन का मन तो बनाती हुई नजर आ रही है। खैर, तस्वीरें जो है वो शाम तक स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार आपकी बात सही है, यानी कि फिर एक बार बीजेपी आने वाली है या फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, चिराग शेट्टी, उनका रुख करते हुए तो देखिए चिराग शेट्टी का भी रुख करेंगे, अब से थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक का। चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक का रुख करेंगे, लेकिन उस बीच आपको सुनवा देते हैं कि उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। क्यों ना रखें, जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को
जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुकुमरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोलिशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है, एक वजन है जो कोलिशन हुई है एनसी कांग्रेस में? अब कोलिशन तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, देखें अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की उन्होंने। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर के सबसे पहले देखिए हम रुझान भी आपको एक एक करके बता रहे हैं, और साथ ही एक बार फिर से अपडेट हम आपको दिखा दें कि जम्मू कश्मीर के 90 सीटों में से 75 पर रुझान अब तक आ रहे हैं पीडीपी के पास, जहां 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक बढ़त किन किन पार्टियों को किन क्षेत्रों में मिल रही है, इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अदर्स के खेमे में 10, और वहीं बीजेपी का अगर हम जिक्र कर ले तो अब तक 27 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये शुरुआती रुझानों के आंकड़े हैं, और आईएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको लेकर शुरुआती रुझान में बढ़त अब 34 सीटों के साथ में यहां दिखाई देती है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर को जब समझने की कोशिश करते हैं तो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में ऐसे में दोनों ही जगहों पर अंतर आ जाता है वोटों को लेकर भी। जम्मू जहां पहले से कहा जाता है कि बीजेपी के पास यहां सीटें मिलती हैं, तो कश्मीर में खाता खोलने में भी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। अब इस बार के जो चुनौतियां रही हैं, क्या बीजेपी उन चुनौतियों से पार पा पाएगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, धारा 370 और 35A का मुद्दा उठाया गया, आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया, यहां तक कि रोजगार का मुद्दा उठाया गया, तो ऐसे में क्या इन चुनौतियों को भेद पाएगी बीजेपी, और क्या इन चुनौतियों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। और वही दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादा अपने मैनिफेस्टो में कर चुके हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, अगर बहुमत उनके साथ जाता है तो फिर क्या उनके जब सरकार बनेगी तो इन वादों को किस हद तक मुमकिन कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यह भी कहा गया कि दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का काम, विशेष राज्य का दर्जा वापस दिलाने का काम किया जाएगा जम्मू कश्मीर को, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को लेकर भी ये कहा गया था कि ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए आप एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राकेश सिंह भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। राकेश जी देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो विकास का मुद्दा रहा हो, बीजेपी कहती है कि हमने विकास करवाया है, लेकिन कश्मीर में फिर भी विकास के बलबूते नहीं, लेकिन एक मानसिक स्थिति ऐसी वहां के लोगों की है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं देना चाहते, वो कहते हैं कि वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम मुस्लिम समाज कहां जाए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को भुनाने की वहां कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा केवल विकास का मुद्दा ना आज है ना पहले भी रहा है, वहाँ खास करके कश्मीर में क्या होता है कि भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा चलते हैं वहाँ। अभी भी आप देखेंगे कि लोग 370 हटने से एक तबका है जो कि बहुत नाराज़ है वहाँ, और ये भावनात्मक मुद्दे हैं, इन्हीं को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस वहाँ बुना रही हैं, और वहाँ भाजपा का जो प्रभाव है फिर भी कम है, और ये वहाँ देखने को मिलेगा। हमें एग्जिट पोल से भी पता चल रहा है कि ये मुद्दे जो भावनात्मक ढंग से लोग वहाँ वोट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, और तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि देश की बात क्या है, देश की अजब भारतीय नागरिक मैं तो ये देखूँगा कि भारत हमारा अखंड रहे, 370 अगर हट गया है तो ये ठीक है। अब वहाँ एक अलग तरह का माहौल है, हम सब जानते हैं कि कश्मीर की जनता अलग ढंग से सोचती है, और तो उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें आने में और इसको स्वीकार करने में कि 370 हटा है। और अब जहाँ तक आप बता रही हैं कि फिर से इनका जो वादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का खास करके, कि हम विशेष दर्जा वापस लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इन वादे संभव हैं। अब जहाँ तक जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है तो ये वादे संभव नहीं है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में दो, जैसा आप भी कह रही थी कि दो भागों में जम्मू और कश्मीर रीजन में बंटा हुआ है, और दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं, दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं। मैं तो ये भी देख रहा था बीच में कि जम्मू में एक ये जम्मू अस्मिता की बात आ रही थी
कि आज तक आप देखेंगे कि 10 चुनाव हुए हैं उसमें 13 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और 13 के 13 कश्मीर घाटी के हुए हैं, जम्मू का एक भी मुख्यमंत्री गए थे ना। आज ये जलेबी बीजेपी को हरा रही है, आज ये जलेबी सच्चाई को हरा रही है, तो ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर की तस्वीर इस बार बदलेगी, कश्मीर में भी खाता बीजेपी का खुलेगा, लेकिन सवाल तो यही है ना कि एक और जहां हम ये देखते हैं, आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार तस्वीरें हम अपने तरफ दे रही है, यानी पूरा भरोसा का इस बार हरियाणा में कांग्रेस को नजर आ रही है अपनी जीत की। हाँ चल बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में जलेबियां, जलेबी की कहानी कुछ और है। दरअसल गोहाना में जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने जलेबी का भी खूब बढ़ चढ़ करके प्रचार किया था और इस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली थी और बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने सीधा किया था और स्पष्ट कर दिया था जनता को कि जलेबी के जरिए वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि रोजगार जो है हरियाणा में अगर कांग्रेस को सत्ता में आ गई तो सत्ता में आने के बाद युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे जो कि बीजेपी ने छीन लिए। खैर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए चिराग जी रुझान, शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। देखिए अभी बहुत बहुत शुरुआती रुझान है, आपका मॉडल जो है हरियाणा को प्रेजेंट किया है, जैसे दिल्ली में स्कूल बने, अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, उसी तर्ज पर हम हरियाणा में भी गए और तीसरे ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम गए थे। तो कहीं ना कहीं आज जो हरियाणा की जनता है उन्होंने ये तो दिखा दिया है कि वो डबल इंजन से, डबल भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है, पर अभी बहुत शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा समय दीजिए, हमें लगता है कि रुझान बदलेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ सीटें लेकर आएगी और सत्ता की चाबी जो है वो यहीं से निकलेगी। कितनी सीटें, कुछ में अभी देखते हैं मैडम, अभी देखते हैं। देखिए एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहां पर संगठन के लिए, वहां पर जो हमारे कार्यकर्ता है उनके लिए भी चुनाव होता है कहीं ना कहीं, तो अभी थोड़ा सा शुरुआती रुझान है, थोड़ा वेट करते हैं, एक दो घंटे में अगले वक्त क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों के आधार पर भी चिराग जी अगर आप ये एस्टिमेट भी सीटें नहीं बता पा रहे हैं तो क्या भरोसा खुद की पार्टी पे नहीं है क्या आपको? आप एस्टिमेट तो रखिए। देखिए बिल्कुल एस्टिमेट रखा है, बट अब शुरुआती रुझान आए हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ पे कहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो अच्छा कर रही है। पर एक तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भाजपा को सिरे से जनता नकार रही है, जो डबल भ्रष्टाचार की सरकार आज हरियाणा में चल रही थी उसको बिल्कुल सिरे से आज जनता नकार दिया है। आपकी बात से ये लग रहा है कि आपका खाता खुले या ना खुले लेकिन बीजेपी को जनता नकार रही है, इस बात की आपको खुशी है? पूरे देश को खुशी है, अच्छा है, धीरे धीरे बिल्कुल 400 से 240 वाला स्तर था वो कंटिन्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है जनता को भी किस तरह से एक एक सियासी झूठ के पुलंदे पाले जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि आप ये जो है नौकरी ना ही दे पाएंगे, महंगाई कम नहीं, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है चिराग जी, ठीक है ठीक है, आप सभी का रुख करेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जनता का आदेश यूं ही बरकरार रहेगा।